पहली उंगली माथे पर, शीश, तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से और आज्ञा चक्र में मन की एकाग्रता, भगवत शरणागति। बार बार शब्द प्रयोग किया हमने भगवत शरणागति में, ओंकार का नाद, भ्रामरी प्राणायाम, ऐसे पांच बार, फिर उद्गीत करेंगे, लंबा गहरा श्वास, गीत प्राणायाम, दोनों ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, अभीप्सा, त्याग और समर्पण, ये भगवत प्राप्ति के उपाय हैं। लंबे गहरे श्वासों के साथ प्रभु दर्शन की अभीप्सा, तितिक्षा, मुमुक्षत्व अपने हृदय में लिए, जो भीतर कुछ भी अशुभ उठता है उसी समय उसका रिजेक्शन, उसका त्याग, और बस पूर्ण शरणागति भगवान की।
मौन हो जाता। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स बुद्धिश्चन विचेष्टते तमः परमा। सीधे बैठे प्लेस योर बोथ हैंड्स ऑन योर Keep your back and neck straight. Concentrate on your breath or Om. 3 to 5 minutes. Complete silence. पूर्ण मौन और नीरवता में जा करके हम अंतर्मुखी हो गए, स्थित प्रज्ञ अपने स्वरूप में स्थित होंगे। ये शरीर इंद्रियां बुद्धि मेरे साथ है, ये पूरा दृश्य व्यक्त मूर्त अस्तित्व सब साधन है। इसके पीछे जो अमूर्त है वही मेरा साध्य है, अमूर्त आत्मस्वरूप, अमूर्त परमात्मा स्वरूप, जहां ज्ञान की पूर्णता, सुख की पूर्णता है, जहां अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड पीस, अनलिमिटेड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, अपरिमित आध्यात्मिक ऐश्वर्य, सब प्रकार की दिव्यता है, डिविनिटी है, पूर्णता है। सहजता है, समग्रता, अपनी निजता है। ये अपना आपा है, कहते हैं ना अपने आपे में रहना चाहिए, इस अपने आपे में हम जिए। पहले प्राणों का आलंबन, फिर प्राणों के साथ प्रणव का आलंबन। ओम आलंबन भूमिति काक्षम ब्रह्म तस्य वाचक प्रणव तजपस्त जप। फिर एक स्थान विशेष पर मन को केंद्रित कर दिया, धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक पूर्वक योग में प्रवेश कर। आज्ञा चक्र हृदय चक्र में मन को केंद्रित किया और भगवान की स्तुति करते करते भगवान की महिमा को स्वीकार की, और भगवान की जिन दिव्यताओं की स्तुति करते हैं उन दिव्यताओं का अपने जीवन में भी अवतरण हो, ये प्रार्थना करते हैं। और स्तुति प्रार्थना करते करते उपासना घटित हो जाती है, भगवान की दिव्यता हमारे भीतर उतरने लगती है। उपासना यही है योग के द्वारा दिव्यता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। दिस इज अल्टीमेट गोल ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए, अब आंखें खोलिए। कुछ तो भ्रामरी के बाद ही हाथ मसलने लगते हैं, ऐसा नहीं किया करो, भ्रामरी के बाद थोड़ी देर ध्यान किया करो।